अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक इस पावर बीआई के लेक्चर के अंदर हम मैप्स बनाने वाले हैं और मैप्स बनाने के लिए डिफरेंट चीजों का हम यूज करेंगे इन पावर बीआई डेस्कटॉप और आपको एक मैप बना के दिखाया जाएगा मैपिंग वाले जो प्लॉट हैं खासतौर पे जो जियो मैप्स या जमीनी मैप्स बनाने के साथ साथ आप किसी भी चीज को शो करवा सकते हैं न्यूमेरिकली ऑन दैट वो हम इस लेक्चर में देखेंगे तो पूरे का पूरा कोर्स देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब अस बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स लेट्स जंप इट स्क्रीन आपके सामने हाजिर है यहां पे हमने अपना पावर बी आई डेस्कटॉप जो है उसे ओपन कर लेना मैं शुरू से ओपन इस वजह से करके दिखाता हूँ बिकॉज देन यू कैन हैव एन आइडिया कि किस तरीके से कोई भी एक चीज आप बना सकते हैं यहां पे जैसे ही आप पावर बी को ओपन करेंगे यू विल सी इट विल टेक सम टाइम बट एट दी एंड इट विल ओपन अप और जो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ दोज आर हियर यहाँ पे पावर बी के अंदर हम जाते हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें प्लॉट्स वाला भी और रिपोर्ट डैशबोर्ड वाला ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले बनाए हुए थे अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से प्लॉट वाला जो प्रोजेक्ट्स है वो उसे ओपन कर लेता हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक सम काइंड ऑफ मैपिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट अब यहाँ पे आप देखें कि 15 तक हमने प्लॉट बना लिए थे मैं सोलवा यहाँ पे बनाता हूँ जियो मैप्स के नाम से जियो मैप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नाव यू कैन सी के हमारे पास यहाँ पे ये लेआउट है और यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मैप है फिर फील्ड मैप है फिर आपके पास शेप मैप है एंड देन यू हैव अदर काइंड ऑफ ए जोर मैप एंड समिंग्स अगर हम मैप पे ऊपर क्लिक करते हैं तो देन वी हैव दिस काइंड ऑफ लेआउट केयर हमारे पास डेटा डायमंड का भी है और यहाँ पे टिप का भी डेटा है एंड नाव यू कैन सी दैट डायमंड और टिप के डेटा के अंदर कोई भी ऐसी लोकेशन कोई कंट्री uh, का नाम स्टेट का नाम या कोऑर्डिनेट्स नहीं मौजूद और वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मैप के लिए जरूरी हैं अगर आप गूगल पे जाएं यहां पे जाके लिखें सो so, यहां पे अगर आप लोकेशन लिखेंगे सो so, लोकेशन में जब भी आप किसी मैप पे जाते हैं तो आपको कंट्री का नाम स्विट्जरलैंड या फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जर्मनी में जाता हूं तो जर्मनी का नाम यहां पर पोलैंड पे जाता हूं तो पोलैंड का नाम एंड देन यू हैव अदर लोकेशन आपको ये लोकेशन चाहिए होंगे या सिटी की या कंट्री की देन अगर आप जूम इन करते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर जूम इन करता हूँ, तो कासल है गोटिंगम है उनके अंदर फर्दर काउंटीज या सब काउंटीज है इसी तरीके से अगर हम यूएसए के मैप के अंदर जाते हैं सम वेयर तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ काउंटीज हैं रीजन हैं कंट्रीज हैं एंड सोन सोफर्ड बाकी चीजें तो हमारे लिए लोकेशन होना जरूरी है दूसरी चीज जो हमारे पास जरूरी है अगर लोकेशन नहीं है तो वो है लेटीट्यूड एंड लॉन्ग्ट्यूड यहां पर लेटीट्यूड एंड लॉन्ग्ट्यूड में लिखता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ये क्या होती है ये आपके पास अर्थ को एक इक्वेटर सिस्टम के अंदर हम डिवाइड करते हैं देन यू हैव लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स और अगर हम इस साथ में कोऑर्डिनेट्स भी लिखें सो वी नीड दीज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू मैप समथिंग अगर हमारे पास ये डेटा नहीं है देन वी कैन नॉट मैप एनीथिंग सो अगर आप गौर करें हमारे इस दो इन दोनों डेटा सेट्स के अंदर ना तो कोऑर्डिनेट्स है ना कुछ और है तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैं यहां पर गेट वर्क एक्सेल बुक निकालता हूं सैंपल सुपर स्टोर का डेटा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां पे आपको मौजूद होगा आप वहां से इसे कनेक्ट कर सकते हैं तो मैंने इस डेटा को कनेक्ट किया कनेक्ट करने के बाद इट विल शो अप लाइक दिस तो मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूं ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद नाउ हियर यू कैन से कि आपके पास यहां पे कंट्रीज भी होंगे सिटी का नाम भी है कंट्री का नाम भी है स्टेट का नाम भी है एंड देन यू हैव पोस्टल कोड एक पोस्टल कोड भी आपको बताता है कि किस तरीके से कौन सा कोऑर्डिनेट कहां पे मैच करना है तो मेरे पास ये सारा डेटा है मैं इसे लोड करता हूं लोड करने के बाद दिस डेटा विल एक्चुअली शो अप इन द डेटा बेसिस जो मेरे पास यहां पे मौजूद है जिसमें डायमंड और टिप्स का डेटा है डायमंड और टिप्स के डेटा के अलावा हमारे पास अब कौन सा डेटा आ गया कोऑर्डिनेट्स का डेटा और सेल्स का डेटा अब अगर आप गौर करें तो सेल्स के डेटा के अंदर कुछ गलतियां हैं जैसे ये ऑर्डर आईडी है अगर हम इस ऑर्डर आईडी को देखें तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है हमने इसको क्या करना है डेट एंड टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है डेट एंड टाइम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमें इसको यहां से शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट करना है सो देर आर मेनी थिंग्स इन दिस काइंड ऑफ डेटा सेट जो यहां पे हमारे पास गलत तरीके से आया हुआ है सो so मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ डेटा में जाता हूँ नाउ हेयर यू कैन से कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आई डी है सॉरी नॉट ऑर्डर आई डी ऑर्डर डेट को हम होल नंबर के बजाय डेट में डेट एंड टाइम में भी कन्वर्ट सकते हैं डेट में भी कर सकते हैं और यहां से हम फिर डेट को कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट डेट के अंदर समथिंग लाइक दिस इसी तरीके से शिप डेट है हमारे पास शिप डेट को भी डेट को चेंज कर लेंगे बिकॉज डेट एंड टाइम के अंदर कर लें या शॉर्ट डेट के अंदर कर इट्स टोटली अप टू यू तो मैं शॉर्ट डेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता हूं नाउ आर डेटा इज काइंड ऑफ गुड मैं यहां से इसे कमिट भी कर देता हूं ताकि ये चेंजेस मेरे पास सेव हो जाए और जैसे मैं इस डेटा को कंट्रोल एस करके सेव करूंगा यू विल सी कि ये मेरे पास डेटा सेव हो गया नाउ वी हैव हियर ऑर्डर्स का डेटा अब इस ऑर्डर के डेटा के अंदर जाने के लिए जब भी हम किसी चीज को मैप करते हैं यहां पर क्या करता हूं यहाँ पे मैं कंट्री रीजन को अगर पेस्ट करूं लोकेशन पे यू विल सी ओनली यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि हमारे पास इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है यूनाइटेड स्टेट्स की ठीक है सो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं So, आप देख लें यूनाइटेड स्टेट इस वजह से एक वैल्यू का मैटर ही कोई नहीं करता सो वट आई कैन डू आई कैन टेक फॉर एग्जाम्पल स्टेट यहां से स्टेट में उठाता हूं ये नीचे कॉलम है इसको मैं लोकेशन के अंदर पेस्ट कर देता हूं और अब आप देखें कि हर स्टेट का डेटा आपके पास आ गया ठीक है अब यहां पे हर स्टेट के डेटा के अंदर आपके पास एक बबल चार्ट है और बबल चार्ट्स को आप देख सकते हैं कि यहां पे हर चार्ट जो है वो एक बबल को शो कर रहा है विच शोज के ये स्टेट पेंसिल्वेनिया है ये स्टेट जो है ओवे स्टेट है ये निब्रासका है साउथ इकोटा है फिर इस तरीके से बाकी स्टेट मैं इसको थोड़ा सा साइज पे ड्रैग किया नाउ यू कैन सी जो हर चीज का बबल साइज है वो सेल्स की बेस पे बड़ा छोटा हो रहा है नाउ यू कैन सी के जहां पे सेल्स ज्यादा है उसका बबल साइज बड़ा होगा जहां पे सेल्स कम है किसी भी एक सुपर स्टोर की उसका बबल साइज छोटा होगा और ये बबल साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है रीजन क्या है कि साइज ऑफ द बबल एक्चुअली क्रॉसपॉन्ड टू या को रिलेट विद या हम कहूंगा क्रोसपॉन्ड टू द नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स की अमाउंट तो वो आप चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में अब अगर आप चाहते हैं कि हर एक फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में सिटी लाहौर है फैसलाबाद है सिंध में कराची है हैदराबाद है सो यू वॉन्ट टू ग्रुप दैम बेस्ड ऑन द कलर्स तो वही काम हम स्टेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस अब मैं क्या करूंगा लीजेंड के अंदर कोई भी एक डेटा एड करूंगा मैं यहां से ऑर्डर के अंदर से एक दूसरा तरीका होता है कि यहां से आप सिलेक्ट कर लें मैं यहां से सिटी भी ऐड कर सकता हूं और मैं यहां से रीजन भी सिलेक्ट कर सकता हूं तो मैं रीजन को सिलेक्ट करता हूं नाउ यू विल सी कि कंट्री के अंदर हमारे पास लीजेंड आ गए सही है सो कंट्री रीजन हमारे पास आ गए और अगर इनकी वैल्यूज देखी जाए वी कैन ऑल्सो सी दैट बट इट डेक मेक एनी सेंस एट द मोमेंट मैं यहां से क्या करता हूं अब दोबारा से एक काम करेंगे हम मैं सिटी को उठाता हूं सिटी को लोकेशन में डालता हूं एंड नाउ यू विल सी आपका जो सेल्स का डेटा है वो सिटी वाइज आ गया ठीक है क्योंकि यूरोपियन सिटीज भी हैं हैं, हमारे पास, बाकी सिटीज भी तो सिटी का डेटा इस तरीके से आ गया। अब मैं है और, और हर कलर जो है वो बेसिकली आपको एक चार्ट भी शो करवा रहा है समथिंग लाइक दिस अगर आप किसी एक पे जूम इन करेंगे तो हर सिटी का डेटा आपके पास आ गया अब यहां पे चेक करेंगे तो ये आपके पास लॉस एंजलिस है वेस्ट रीजन है एंड देन सम ऑफ सेल्स उसकी आ गई क्योंकि हमने सिटी वाइज इसे ग्रुप किया है एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रुप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट और ये आपका एक जियो मैप के ऊपर आपका सेल्स का डेटा शो हो रहा है एंड दिस इज सम ऑफ सेल्स आप इसको सम ऑफ सेल्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं इन टू एवरेज या समथिंग एल्स इज टोटली अप टू यू बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर प्लॉट और जियो मैप ऐसे आप बना सकते हैं ये जियो मैप आपको हेल्प आउट करेगा टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका डेटा पूरा काम कर रहा है अगर सेल्स की बजाय मैं यहां पे सेलेक्ट करूं सम ऑफ सेल्स की बजाय सेल्स को मैं अनसेलेक्ट करता हूं और यहां पे मैं प्रॉफिट डाल देता हूं एंड नाउ यू विल सी प्रॉफिट और अगर आप गौर करें कुछ इनमें से प्लॉट ऐसे हैं समथिंग लाइक दिस जिनमें आपको एक चार्ट भी नजर आ रहा है समथिंग लाइक दिस सो so, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रल और साउथ के अंदर अगर कोई सिटी है विच इज समथिंग लाइक हैविंग दिस टू वैल्यूज वो दोनों आपके पास कुछ इस तरीके से आएंगे लाइक like दिस क्योंकि यादा वहां पे आधा वहां पे जो बॉर्डर एरिया है उनका पाई चार्ट आ जाएगा कि कितने परसेंट सेल कहां पे हो रही है कितने परसेंट स्केल सेल इनकी कहां पे हो रही है और प्रॉफिट कहां कहां पे हो रहा है एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्लॉट और जियो मैप आप बना सकते हैं विच लुक्स लाइक दिस और साइज जो है बेसिकली आप प्रॉफिट की बेस पे यहां पे दे रहे हैं और अगर आप प्रॉफिट नहीं चाहते यहां पे तो आप अगेन सेल्स पे चले जाएं तो यहां आपको सेल्स दे देगी एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्लॉट होपफुली ये आपको पसंद आया होगा ये वाला लेक्चर और अगर आपने इस तरीके से प्लॉट बना रही है आप ऐसा करें कोई भी एक डेटा उठाएं इंटरनेट से और उस डेटा को लोड करें लोड करने के बाद आप चेक करें कि कहां पे कितना क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आप कोविड नाइन्टीन का डेटा ले सकते हैं पाकिस्तानी सिटीज का डेटा ले सकते हैं आप कोविड के केसेस का डेटा ले सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एंड देर मेनी अदर डेटा सेट जो ग्लोबल डेटा है ग्लोबल पॉपुलेशन का डेटा ले सकते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ मैप्स और ये मैप्स आपको बहुत हेल्पफुल हो साबित होते हैं वेन यू वॉन्ट टू शो समथिंग रिलेटेड टू द मैपिंग या जियो मैप्स या जो भी आपका वर्ल्ड uh, मैप के ऊपर अगर आपने डेटा प्रेजेंट करना हो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो अस फॉर मोर सी यू इन द नेक्स्ट वन टेक केयर ठीक है